नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समर सीजन हमारा जो गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और काफ़ी धूप आने लगी है, तो इस मौसम में, इस सीजन में हमें अपने गार्डन में क्या क्या काम करने चाहिए जो ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पौधे खराब होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे मौसम चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते और पौधे डाई हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें जो मैं कुछ 7 टिप्स बताऊंगा जो कि करना बहुत ही आवश्यक है इस टाइम पे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और एक भी टिप मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। और इससे पहले, अगर आप सभी से मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है, मौसम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है तो इसके लिए पौधों को धूप की मार से टेरेस पर रखे हुए पौधे डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो इससे बचाने के लिए हमें शेड नेट का सहारा लेना है। ये देखिए, इस प्रकार आप भी शेड नेट लगाइए। अगर शेड नेट अवेलेबल नहीं है तो किसी चद्दर से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से आप पौधों को छाया दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट से उन्हें बचाइए। जब धूप छन के आती है तो पौधे उसमें सर्वाइव करते हैं, अच्छा ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट पड़ने पर पौधे उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उस धूप की वजह से इनकी ब्रांचेस सूखने लग जाती हैं, रूट्स डैमेज होने लग जाती हैं, तो इनको पहली चीज़ तो सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। अब दोस्तों, दूसरी पॉइंट पे आते हैं हम कि पौधों की शिफ्टिंग, जो ग्रोबैक्स हैं हमारे, गमले हैं, इनको हमें ऐसी जगह पर शिफ्ट करना है जहाँ सुबह की 10 बजे तक, 11 बजे तक या 12 बजे तक की आपको मैक्सिमम धूप मिले। अगर आप जैसे, मैंने शेड नेट भी लगाया हुआ है तो मैं दिखाऊं आपको कि इधर सामने की तरफ से मुझे 10 बजे तक की, 11 बजे तक के आसपास की धूप, यहाँ देखिए अभी 11 के आसपास बज रहा है और सामने कुछ धूप अभी भी आ रही है, तो 10 11 बजे तक की धूप आती रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो उसके बाद की धूप होती है, 1-12 बजे के बाद से और करीब 5 या 6 बजे तक की धूप, वो बहुत ही हार्ड होती है, बहुत तेज होती है, तो उनसे खास करके हमें अपने पौधों को बचाना होता है। तो इनकी जो प्लेसिंग करें आप, जो कुछ पौधे आपके होते हैं जो धूप को सर्वाइव करते हैं, धूप में उन्हें अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं धूप में भी अपने आप को, तो उन पौधों को आप अलग रखिए, आगे रखिए। और जो पौधे आपके कॉन्शियस हैं, धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें किसी प्लेस पे, ऐसी जगह पे रखिए जहाँ आपको डायरेक्ट सनलाइट, जैसे मेरे ये बैंगन के पौधे हैं, इनमें जब फ्लावरिंग आती है तो धूप डायरेक्ट पड़ती है और काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से इनके फ्लावर्स झड़ जाते हैं। तो मैं इन्हें, ये देखिए इधर ये दीवार है, इसके किनारे पर रख रखा है मैंने कि जो धूप डायरेक्ट हवा आती है, गर्म हवा, तो वो इन दीवार से टकरा के हल्की हो जाती है, ठंडी हो जाती है, फिर इन पौधों को लगती है, तो ये अपने आप को किसी तरह से सर्वाइव करने के लायक बना पाते हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ ऐसी दीवार वगैरह नहीं है तो आप बड़े पेड़ की छाया में छोटे पौधों को रख सकते हैं। अगर आपके पौधे, कुछ पौधे जैसे देखिए मेरे ये फ्रूट प्लांट्स हैं, तो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं और फ्रूट प्लांट्स को धूप से कोई खास परेशानी नहीं होती है, तो इन, देखिए इन प्लांट्स की छाया में, इनके किनारे आप कोई भी छोटे गमले जो धूप को पसंद नहीं करते उन्हें रखिए, इनकी छाया से वो बचे रहेंगे। तो इस प्रकार आपको प्लेसिंग करनी है प्लांट्स की, और जो सीडलिंग्स आप कर रहे हैं उनको तो खास करके धूप से बचाना है, तो उनको किसी इनडायरेक्ट सनलाइट में, शेडेड प्लेस पे ही रखिए। अब दोस्तों, आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक जो दोस्तों है हमारा, वो है हमें मिट्टी की गुड़ाई करना। इतनी ज़्यादा धूप, उमस और गर्मी के चलते हम दिखाएं आपको, देखिए हमने शाम को वाटरिंग की थी और अभी देखिए मिट्टी की हालत, ऊपर से बिल्कुल ड्राई दिख रही है, हालांकि अंदर थोड़ी मॉइस्चर अभी बची हुई है। तो इनकी गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, और साथ में जो इसमें खरपतवार हो उनको निकाल दीजिए। 15 दिन में एक बार ज़रूर गुड़ाई कीजिए। यह आवश्यक मैं बताऊँ क्यों है, क्योंकि जब आप गुड़ाई करेंगे तो अंदर जो गैस बना होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे हमने इस तरह से देखिए, किस, मैं हाथ से ही कर दे रहा हूँ, मेरी मिट्टी काफ़ी हल्की है, भुरभुरी है, तो आप किसी टूल्स की मदद से इनकी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए, तो अंदर जो गर्मी होगी, पौधा मिट्टी के अंदर काफ़ी गर्मी होती है, तो वो गर्मी जो होएगी वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो रूट्स हैं वो ठंडी हो जाएंगी, तो उनके पास का जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन हो जाएगा एक बार, इसलिए गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। अब उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है कि मल्चिंग करना। दोस्तों,
जो सनलाइट आती है, जैसे मैंने बताया दिखाया आपको कि मैंने शाम को वाटरिंग करी थी और अभी आप देखिए इसका सरफेस काफी ड्राई सा है, दिखाई दे रहा है। तो मल्चिंग करना इसलिए भी आवश्यक होता है कि जो अंदर की ह्यूमिडिटी होती है वो बनी रहती है, मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कुछ लंबे टाइम तक बना रहता है, इसलिए मल्चिंग करना काफ़ी ज़रूरी है इस सीज़न में खास करके। तो मल्चिंग कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि कई तरीके हैं, किसी भी चीज़ से आप मल्चिंग कर सकते हो। गार्डन की सूखी पत्तियां जो आपके ख़राब हो रही हैं, निकल रही हैं, आप उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, या फिर कुछ नहीं मिलता है आपको तो कार्डबोर्ड के टुकड़े काट के, छोटे छोटे टुकड़े काट के उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं आप। तो किसी भी चीज़ से आप मल्चिंग कीजिए, आपको मिट्टी को ढकना है, मल्चिंग करना है, तो मल्चिंग करना भी काफ़ी आवश्यक है। अब पांचवा पॉइंट है दोस्तों, पौधों को अब इस समय जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं हमारे पौधे, और चूंकि मौसम उनके अनुकूल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा धूप है, काफ़ी गर्मी है, तो इसलिए हमें इसमें कंपोस्टिंग करनी है। और कंपोस्टिंग हमें वो करनी है जो कूल हो, यानी कि ठंडी कंपोस्ट, जिसमें कि हम ले सकते हैं सरसों खली से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट, गाय के गोबर के खाद से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट, प्याज के छिलके, अंडे के छिलके, या फिर किसी फूलों की उससे बने हुए बायो एंजाइम। तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा हो सके तरल खाद का प्रयोग करें। आप गाय के गोबर का से सड़ी हुई खाद भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और वो भी उनकी जो नेचर होता है वो ठंडा होता है, बहुत गर्म नहीं होती है। तो कंपोस्टिंग करने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले गुड़ाई कर लें, गुड़ाई करने के बाद ही कंपोस्टिंग करें, जिससे कि जो भी कंपोस्ट आप दे रहे हैं पौधों की रूट्स तक आसानी से पहुँचे। अब दोस्तों जो छठी टिप्स है वो है वाटरिंग की। वाटरिंग करते समय हमें दोस्तों एक खास ख्याल रखना है कि हम जब वाटरिंग करते हैं तो हमने पौधों में देखे इस प्रकार से, जैसे इस पौधे में डालना है तो हम पौधे में वाटरिंग कर लेते हैं, पर वाटरिंग जो होता है वो हमारी टॉप सॉइल ही सिर्फ गीली हो पाती है। तो आप जब भी वाटरिंग करें तो इस प्रकार से करें कि पौधे की बॉटम तक की जितनी भी सॉइल है, मिट्टी है, पूरी अच्छे से गीली हो। उसके पीछे कारण ये होता है दोस्तों, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो ऊपर से 3 से 4 इंच की जो मिट्टी होती है वो पानी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी प्यासी होती है तो पानी को सोख लेती है, और जब धूप निकलती है, गर्मी बढ़ती है, तो ऊपर से वो पानी वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है और नीचे की जो रूट्स हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार आपको गमले को पूरी अच्छे से पानी से भर देना जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे। अब उसके बाद दोस्तों ये कर दी हमने पौधों में वाटरिंग, लेकिन उसके बाद अभी इस समय के मौसम के हिसाब से जो दूसरी और ज़रूरी चीज़ है कि हमने पौधों को देखिए इस प्रकार से पत्तियों तक को रोज़ डेली एक बार अच्छे से कर देना स्प्रिंकल वाटर का, जिससे कि जो भी इनमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार आपको देखिए सभी पौधों पे आपके एक बार वाटरिंग स्प्रिंकल कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के, ताकि ये जो दिन का टेम्परेचर है उसको अच्छे से सहन कर पाए। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने लास्ट पॉइंट पे कि हमें सातवें नंबर पे क्या काम करना है, कि जो दिन का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी इस समय करीब हमारे यहाँ 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने पौधों के आसपास इस तरह टब में पानी भर के रख दीजिए। अब जब धूप पड़ेगी गर्मी से, इसमें वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से पानी जब वाष्प बन के ऊपर उठेगा तो जो हमारे गार्डन के आसपास का एरिया है उसकी ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छे से लेवल होगी हमारे पौधों के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं देखिए एक टब मैंने वहाँ रख रखा है पानी से भर के, और एक टब मैंने इधर रख रखा है, तो 2-3 जगह मैं पानी से भर के टब रख देता हूँ, ताकि जब धूप से पानी वाष्प बन के उड़ता है तो एक तरह से कह लीजिए हमारे पौधों के आसपास नमी थोड़ी बनी रहती है, जिससे पौधे अच्छे से सर्वाइव करते हैं और अच्छी तरह ग्रोथ करते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी 7 टिप्स थे दोस्तों। अगर आप भी गार्डनिंग करना चाहते हैं और अच्छे से गार्डनिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो इन टिप्स को इस समर सीजन में ज़रूर अपनाएं। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।